प्रश्न है, पादप विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? उत्तर है पौधों का। अगला प्रश्न है, कोशिकाओं के अध्ययन को कहा जाता है? उत्तर है साइटोलॉजी। अगला प्रश्न है, कवक विज्ञान क्या है? उत्तर है कुकुरमुत्ता का अध्ययन। अगला प्रश्न है, एक्सोबायोलॉजी किससे संबंधित है? उत्तर है वाम अंतरिक्ष में जीवन से संबंधित। अगला प्रश्न है, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? उत्तर है एक्सोबायोलॉजी। प्रश्न है, उड़ने वाला स्तनपाई है? उत्तर है चमगादड़। अगला प्रश्न है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं? उत्तर है स्तनी में। अगला प्रश्न है, एम्फीबिया बताता है? उत्तर है जल एवं स्थल दोनों पर ही रह सकने वाले पशुओं को। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है? उत्तर है एक मृदु कवची। अगला प्रश्न है, ऑक्टोपस है एक मोलस्का। अगला प्रश्न है, टीक और माइट वास्तव में होते हैं? उत्तर है मकड़ीवंशी। अगला प्रश्न है, झिल्लीदार गर्दन किसका अभिलक्षण है? उत्तर है टर्नर संलक्षण। अगला प्रश्न है, ऑस्टियोपोरोसिस किस रोग से संबंधित है? उत्तर है हड्डी। अगला प्रश्न है, पित्ताशय में उपस्थित पाषाण किसका पाचन प्रभावित करता है? उत्तर है वसा। अगला प्रश्न है, रक्त में अधिक मूत्रीय अम्ल किस बीमारी का सूचक है? उत्तर है गाउट। अगला प्रश्न है, मसूढ़ों से रक्त स्राव को कौन रोकता है? उत्तर है स्कर्विक अम्ल। अगला प्रश्न है, स्कर्विक रोग के इलाज में उपयोगी है? उत्तर है आंवला। प्रश्न है, किसने लाइक क्यूअर्स लाइक होम्योपैथिक सिद्धांत प्रस्तुत किया? उत्तर है सैमुअल हाइनेमैन। अगला प्रश्न है, होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? उत्तर है हाइनमैन। अगला प्रश्न है, किस खोज के कारण बॉक्समैन को नोबेल पुरस्कार दिया गया? उत्तर है स्ट्रेटोमाइसिन। अगला प्रश्न है, कौन सा जानवर बिना पानी पिए सबसे लंबी अवधि तक रह सकता है? उत्तर है कंगारू चूहा। अगला प्रश्न है, प्रथम एंटीबायोटिक्स की खोज किसने की थी? उत्तर है ए फ्लेमिंग ने।